रोहिणी सेक्टर 3 इलाके में सोमवार को बहन की शिकायत पर घर में घुसकर युवक ने दो दोस्तों के साथ मिलकर जीजा की लात घूसों व डंडों से जमकर पिटाई की। पीड़ित जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरोपितों ने पीटना जारी रखा। पीड़ित के सिर व हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उन्होंने बुधवार को दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सुरेश के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया, जिसका बृहस्पतिवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश के स्वजन ने बताया कि करीब 17 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी पत्नी की बहन से सुरेश के छोटे भाई की शादी हुई है। स्वजन ने आरोप लगाया कि पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से सुरेश की पत्नी का स्वभाव बदल गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के अवैध संबंध हो गए थे, इसको लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता। रात को ज्योति ने सुरेश को फोन करके घर बुलाया। जैसे ही वह घर आए, पत्नी व उसकी बहन ने घर के बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत छत पर बैठे दीपक व उसके दोस्तों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह वे बचकर बाहर निकले व पड़ोसियों के फोन से पुलिस को सूचना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।